बाय बाय मेरे बाइक पैच चला मम्मी का के फिर से फेस पे मतलब थोड़ा बहुत ना सूजन स्टार्ट हो चुका है। कैसे हो गया फिर से ये? कैसे हैं आप सब? मैं रवि, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पे मिस्टर एंड मिस्टी। तो गाइस आज हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। अभी हम लोग पूरा रेडी हैं, सामान वगैरह सब पैक हो चुका है। हमारे साथ जा रहा है कौन कौन, वो तो आपको दिख जाएगा आगे वीडियो में। और गाइस अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, दो महीने गाँव में रहे हैं हम लोग, एग्जैक्ट दो महीने कुछ दिन हो गए हैं ना, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर भी काम वगैरह है और आपका भाई भी जा रहा है काम वगैरह। वहाँ पे हमने पहले से बात कर रखी है ना, लेकिन मेरी जॉब कुछ अलग है, तो आपको अगर मैं एक दो दिन जाके देखूँगा, अगर मेरे को ऐसा लगे कि हाँ दिखाना चाहिए तो ज़रूर दिखाऊँगा आपको। और तुम क्या करोगे? मैं नॉर्मल मिस्ट्री स्टडी करेगी। मिस्ट्री को तो स्ट्रेस नहीं देना बिल्कुल, क्योंकि ये अपना तैयारी कर रही है किसी चीज़ का, वो हो जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। अभी निकलते हैं क्योंकि ऑटो आ चुका है बाहर। अपना सामान वगैरह ये रहा एक बैग अपना, और यहाँ पे ये रहा बैग, और ये बैग भी है एक, दो बैग ये हो गया, एक ये रहा बैग हमारा, मतलब टोटल हमारे पास चार बैग हो रहा है, खाने का थैला हो रहा है, और एक ये चप्पल जूते का। चप्पल जूते का अलग से हो रहा है क्या? किसमें तो अभी चलते हैं गाइस। मम्मी पापा तो नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे, उसका रीज़न कुछ अलग है, उसको मैं बताऊँगा आपको इसी वीडियो में, मतलब पता चल जाएगा है ना। तो चलते हैं अभी। ये तो देखो इतने बाल आगे कटवा लिया है, मास्क लगा के दिखाती है, देखो देखो कोरियन लग रही है, कोरियन बहुत कोरियन बनने का शौक है इसको। हां कोरियन कोरियन कटवाते हैं। हां सालू जा रही है हमारे साथ, चलो चलते हैं। कार्तिक से पहले ही बैठ गया ऑटो में जाके, मुझे तो और दोनों को पता चल गया। फिर बुझल ले जाओ तू ठीक है। तो गाइस अभी भगवान जी की थोड़ी पूजा कर लेते हैं, मतलब मम्मी कर रही है, हम तो नहीं करेंगे क्योंकि हमने खाना ना खा लिया है। मम्मी भी खाना नहीं खाई है, निकलेंगे तभी खाएंगे है ना मम्मी, ठीक है। तो ऑटो भी आ चुका है, बाय बाय मेरे बाइक। अब स्कूटी पे आ जाऊंगा वापस से मैं। इसको ले चलते, ये मास्क तुम्हारा है ना? हाँ। मेरे को भी मास्क लेना पड़ेगा ताकि मुझे पहचान ना पाए कोई। मेरे को भी एक मास्क लेना पड़ेगा ताकि मुझे कोई पहचाने ना। क्यों? ये देखो गाइस, कार्तिक पहले ही बैठ गया आके ऑटो के अंदर। इसको पता चल चुका है हम लोग जा रहे हैं, तो ये पहले ही बैठ गया चाचा के साथ आगे बैठा हुआ एकदम। ना सर हमारे पास सामान हो रहा है, मतलब लगभग चार है, और खाने का एक आगे रखा हुआ है। अभी से गर्मी हो गई गाइस, बारिश हो जाओ भगवान प्लीज। सारा सब कुछ क्या कहते हैं, फसल नुकसान हो रहा है। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, हेलो यार मेरे को भी एक मास्क लेना पड़ेगा। ये तो मैं अपना दिल्ली वाला ही मास्क है, मेरे इसके बैग में था। अरे मेरे इसमें होगा शायद, इस वाले में, इस पॉकेट में होगा मेरे पास। चलो पापा भी जा ही रहे हैं। बंद का हुई दुकान पर जाएंगे मम्मी का। बाबा दुकान पर क्या करते रहन? ए रूमी भाई जी, हम निकलने वाले बस, और बाबा तो दुकान पे वो आगे से बैठेंगे और चलते हैं ना, और पापा तो जा ही रहे साथ में। कैसा लग रहा है तुमको, फाइनली जा रही हो तुम? अब तो पैर चलो मम्मी का, उसको देखो साल में रोने क्यों लगता है पता नहीं। क्या हुई हमरा बहुत धन आई, चलो बैठो। A few moments later.
पापा गए बुक लेने के लिए वहाँ मिस्ट्री के लिए, और बुक हम यहीं से ले रहे हैं क्योंकि वहाँ मिले कि ना मिले, मिल तो जाएगा ऑनलाइन सब मिल जाता है, लेकिन यहाँ से ले रहे हैं क्योंकि यहाँ जान पहचान की दुकान है अपनी, तो क्या दिक्कत है। One hour later. हम लोग पहुँच चुके हैं बगहा स्टेशन पे, अभी ऑटो साइड में लगेगा, उसका सामान वगैरह उतार के चलेंगे अंदर। बहुत ज़्यादा पसीना हो चुका है, चलो हमारे पे अड़ीस में है तो अंदर घुसने में तो चैन मिलेगा थोड़ा सा। चलो भाई चलो उतरो, हैंड ब्रेक नहीं क्या करो अंदर, हैंड ब्रेक। गाइस अभी हम लोग स्टेशन पे खड़े हैं मस्त, और हम जब भी आते हैं मिस्टी एक मालगाड़ी यहाँ खड़ी रहती है ना हमेशा, है ना, जब हम उतरते हैं या जब हम जाने वाले होते हैं तब भी एक मालगाड़ी तो यहाँ रहती है खड़ी। आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग देखा होगा, उसमें दिखता होगा आपको। सभी लोग पानी वगैरह पी रहे हैं, मेरे को भी पीना है पानी, देना ज़रा पानी बोतल, दो बोतल तो लेके अले बने, देना रे पानी। सालों की तो चमक रही है भाई, जितनी गोरी है नहीं उतनी गोरी दिख रही है कैमरे के अंदर, देखना जरा है ना, एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है। अब तुम तो चलो ओरिजिनल दिख रही हो, काली है तो काली दिख रही है तुम, काला हो गया। तो गाइस अभी ट्रेन आ चुकी है हमारी, और सामने से ट्रेन आ रही है उधर से, हम लोग पीछे जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि पीछे की तरफ ही हमारा जो डब्बा है वो पीछे की तरफ ही आएगा। ये रहे पापा, पापा भी सामान ले जा रहे हैं, मैं भी लेके चल रहा हूँ, और भी ये लोग भी नीचे सालू मतलब सालू और अंजलि भी लेके जा रहे हैं आगे ट्रेन तक। ट्रेन आ गई अपनी, चलो ना। तो गाइस हम लोग अभी ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं, और यहाँ पे अपने अपना सीट पे मिल चुके हैं। कार्तिक को अपना सीट मिल गया स्पेशल, अब इसको खाली कर देते हैं क्या, ये तो इसको साइड में रख दो ना, यहाँ पर रख दो, यहाँ रखो, यहाँ पे, यहाँ पे तो कौन सा भी कोई बैठा हुआ, इधर इधर रखो इसको, यहाँ रखो इसको। ये तो तुम लोगों ने सोफा बना दिया इसको यार, अब कार्तिक बैठेगा इस पे। हाँ तो गाइस अंदर कार्तिक बैठा हुआ देख रहे हो आप लोग अंदर, और इधर ये लोग भी बैठे हुए हैं। कार्तिक बाय बाय या। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओए लड़ गया का सर। देर है गाइस, तो गाइस हम लोग बगहा को अभी टाटा बाय बाय कर दिया हम लोगों ने, और अब हम पता नहीं कब आएंगे, कुछ पता नहीं है, है ना, कंफर्म नहीं है। अब कार्तिक देख रहा भाई हम चल रहे हैं कि ये क्या चल रहा है पता नहीं, क्रॉसिंग पनियावा नदी जो कि बहुत बड़ी, और पानी काफी ज्यादा आ चुका है यार, है ना मिस्टी, पानी बीच बीच में टापू दिखा था ना, वो पानी पूरा भर चुका है अभी, पर कहाँ बारिश हुआ है, ये बिहारी तो है अभी। ये पानी देख के ना मुझे एक वो मीम याद आ गया, कौन सा इंस्टाग्राम चला रही थी, बस तो कहता वो निकोल दे गोइल मैं कह रहा हूँ उसको उठा के पियो नहीं तो गिरता रहेगा, तुम्हें अपनी चुन्नी से ही साफ करना पड़ेगा, याद रखना इसको। गाना है ना उस, हाँ चुन्नी उठाओ ना हाथों में। सबका बिस्तर कर दिया, देख रहे हो, दिख रहा हूँ, मैं दिखाऊँ कैमरा फिर से फेस पे मतलब थोड़ा बहुत ना सूजन स्टार्ट हो चुका है, ये देख रहे हो, अब आँख के पास देखो, अभी हमने ट्रेन में नोटिस किया तो अभी तो एसी में है, हाँ अभी तो एसी में है तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही ना, खुजली उजली नहीं हो रहा ना अभी ज़्यादा, इसलिए दिक्कत नहीं, अगर हम
उसमें होते स्लीपर में या जनरल में घर पे होते है ना तो वो और सूज जाता खुजली होते होते और सूज जाता है। जिस दिन जा रहा उस दिन हो रहा है तो मैं नेक्स्ट अपने इलाज करवा सकता हूँ अच्छे से। हाँ और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से इलाज करवाए अपना अपना ना क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया ना इसको ठीक हो गया था फिर हो गया पता नहीं कैसे। एक्चुअली पता है क्या हम लोग नेपाल में गए थे वहाँ घूमा फिर घर पे आए तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह पड़ गई थी तो गर्मी से देखो क्लोज से देखो क्लोज से देखो आपको क्योंकि मुझे गर्मी वगैरह बर्दाश्त नहीं होती ना इसलिए। तो वैसे भी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए मिलेंगे आपसे सीधा सुबह अभी के लिए गुड नाइट। The next day. Hey guys, good morning. सुबह हो चुकी है और मैं तो उठ गया हूँ बाकी अंजलि भी उठ गई है और देख रही है उठ के ऊपर सो रही है वो फिलहाल तो देख नहीं रहा आपको हाँ उस वाले कोच पे देखो वो रही उठ चुकी है और सालू सबसे ऊपर सो रही है मैं सबसे यहाँ पे नीचे सो रहा था और मेरे बगल में मिस्टी सो रही थी तो मिस्टी का जैसे कि मैंने आपको रात को दिखाया था कि एक साइड का हिस्सा फिर से खुजली कर रहा था उसका तो मुझे पता था कि सूज जाएगा सुबह तक तो अभी हल्का सा सूज गया है दिखाता हूँ कितना सूजा है देख सकते हो आप कि ये वाले आँख के आसपास रेड रेड तो दिख ही रहा होगा और सूज गया लेकिन ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि हल्का सूजा है कोई बात नहीं आज तो हम जा ही रहे हैं तो डॉक्टर को प्रॉपर दिखाएंगे ब्लड टेस्ट करवा के प्रॉपर दिखाएंगे हमको आज हम पहुँच जाएंगे लगभग अगर ट्रेन 9 बजे अगर हमें पहुँचा देती है गाज़ियाबाद में तो हम लोग 10 बजे 10:30 तक घर पहुँच जाएंगे और फिर रूम का थोड़ा बहुत सफाई करके उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे ब्लड टेस्ट होगा और कुछ गोली दे देंगे ताकि खुजली ना हो चेहरे पे क्योंकि खुजली भी हो रही है ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद प्रॉपर इलाज करवाएंगे अच्छे से। वन आवर लेटर अभी मिस्टी उठ चुकी है पूरी तरह से सो के और आलू सो रही है अंजलि और कार्तिक सब उठ चुके हैं कैसे हो गया फिर से ये क्या हो गया हाँ कुछ पता नहीं चलता नहीं पता ना ब्लड का इन्फेक्शन ही है ब्लड इन्फेक्शन और मतलब अगर लोग नेपाल से आए थे बोला ना मैं गर्मी बहुत गर्मी थी दूध में बोटिंग करने घूम लिया हमने उधर है ना इसलिए मुझे गर्मी में घूमना पसंद नहीं है और घूमने के बारे और उससे जैसे हम लोग घर पे हम लोग को बहुत गर्मी लगता था मिस्टर से खुद ही पूछ लिया आप लोग इतना गर्मी होता था ना मतलब नहा लेते थे हम लोग पसीने में वही पसीने से इन्फेक्शन हो जाता है बारिश भी तो नहीं हो रही ना वहाँ पे बारिश भी नहीं है अगर मान लो 2 दिन लगातार बारिश होगी ना तब जाके मौसम साफ होगा वहाँ पे। देखो गाइस कार्तिक परेशान कर दिया पूरा ट्रेन के अंदर पता नहीं क्या हो गया इसको और बारिश भी होने लगी है हमारे जैसे यहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश तेज हो गई है ना तो गाइस देख रहे हो बारिश भी हो रही है बाहर अभी उतरेंगे तो भीगेंगे हम लोग यार अच्छा। क्या अच्छा तुम्हारे लिए गाइस ट्रेन हमारी गाज़ियाबाद पहुँचने वाली है और बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है देखो वो रहा इंजन और पूरा ट्रेन आपको दिख जाएगा ऐसे पीछे तक हमारी स्टेशन पे हम लोग उतर चुके हैं गाज़ियाबाद गाय मास्क में नहीं है और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ऊपर तो यहाँ पे जब हम लोग गाज़ियाबाद से आ रहे थे तो रास्ते में शायद बस और कार में एक्सीडेंट हुआ था तो वही मिस्टर ने कैप्चर भी कर लिया था वीडियो में और सुबह चाय बनाया था तुम्हारे लिए तुमने निकाल के उसमें रखा छोटे फिर से होगा तेरे चेहरे पे हाँ। साथ ही छोड़े होते रहे चले जाम हो गया बारिश के बदबू आ गया खोलते ही दूसरा गई है मिस्टी यहाँ से लाइट नहीं है नहीं है लाइट अरे हमने बंद कर रखा ना वो अच्छा हाँ चालू करके आओ तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हम लोग फाइनली पहुंच गए आराम से और अभी मैं हम लोग आए थे तो साफ सफाई करके फिर हम लोग गए थे डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुई भी लगा था 2 सुई लगा मेरे को एक एक हाथ में एक से तो मतलब ब्लड टेस्ट कराया था और एक को एक से मतलब एक सुई मेरे को दवाई दिया था उसमें है ना तो वही सूखने उखने का दवाई दिया था एंड दवाई वगैरह उसमें मिला के दिया था सुई में तो अभी हम लोग फिर वहाँ से आए थे फिर उसके बाद आगे खाना ना खा के मैं तो सो गई थी फिर अभी मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना एंड फाइनली अब आपको दिल्ली का व्लॉग मिलेगा तो आप लोग जैसे वहाँ प्यार दे रहे थे वैसे यहाँ पे भी देना
और इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Doubt creeping, gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone.